अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि सर्वप्रथम अपनी बात आप सबके बीच में रखें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष, सभी सम्मानित मीडिया कर्मी, सभी पत्रकारों को, छाया, सभी लोगों को, प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया, सभी को मेरी ओर से, पार्टी की ओर से, प्रदेश की इकाई की ओर से अभिनंदन। हम सब जानते हैं कि पूरे देश में जन आशीर्वाद यात्रा नए मंत्रियों का लगातार 16, 17, 18, 19 चार दिन तक पूरे देश में चल रहा है। आप सब कोई जानते हैं कि नए मंत्री परिषद, जो मोदी जी की नई मंत्री परिषद का गठन हुआ है, उसमें सर्वस्पर्शी समाज का प्रतिनिधित्व दिया गया है और हम कह सकते हैं कि एक गुलदस्ते की तरह, और उस गुलदस्ते में देश के सभी हिस्सों का भागीदारी और सभी समाज का उसमें भागीदारी, पहली बार देश के आजादी के बाद पहली बार ऐसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है जिसमें हम कह सकते हैं कि महिलाओं, जो नारी सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी और हम कहते हैं, तो 11 मंत्री महिला मंत्री बनी पहली बार देश की आजादी से लेकर अब तक। अब ओबीसी मंत्री की बात की जाए तो 27 ओबीसी मंत्री इस मंत्रिमंडल में माननीय मोदी जी ने शामिल किया है। एससी समाज की अगर हम बात करें तो एससी समाज के 12 मंत्री इस मंत्रिमंडल में शामिल है। शेड्यूल ट्राइब पहली बार देश के आजादी से लेकर अब तक, आप सब कोई जानते हैं कि अटल जी की सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया था और पहली बार देश की आजादी के बाद 8 ट्राइबल मिनिस्टर इस मंत्रिमंडल में शामिल हैं। सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राही हम कहते हैं तो उसको हम कहते नहीं, उसको करने पर विश्वास करते हैं। इसलिए जितने नए मंत्री हैं भारत सरकार में, सभी का अभिनंदन उनके प्रदेशों में हो रहा है। झारखंड के संदर्भ की अगर हम चर्चा करें तो हम मोदी जी को आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने एक ऐसी महिला, होनहार, योग्य, प्रतिभाशाली महिला को मंत्रिमंडल में, मंत्री परिषद में शामिल किया है। इसलिए झारखंड बीजेपी और झारखंड की जनता मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करती है। दूसरी बात, 16, 17, 18 और 19 चार दिन की यात्रा झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम लोगों ने तय किया, पार्टी ने तय किया कि अन्नपूर्णा जी की यात्रा 4 दिनों का हो और लगभग 428 किलोमीटर की यात्रा है। 428 किलोमीटर में 9 जिले और 5 लोकसभा इस यात्रा में उनके रास्ते में मिलेंगे और कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि 473 स्थानों पर इनका अभिनंदन करने का हम लोगों ने तय किया था, पार्टी ने तय किया था, समाज ने तय किया था। अब उससे ज्यादा संख्या लोग जगह जगह पर, समाज के सभी वर्ग, मुझे ऐसा लगता है कि 550-600 स्थानों पर यह संख्या पहुंचने वाली है। अभूतपूर्व अभिनंदन समाज का, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिला हो, समाज के सभी वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर पंथ के मानने वाले लोग सड़क पर उतर करके जिस प्रकार से अभिनंदन किए, पार्टी उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती है। बरसात का समय था, पानी पड़ रहा था, लोग सड़क पर थे और अब तक जो कार्यक्रम 2 दिनों का जो हुआ है, 16 और 17 का, तो 16 तारीख को 53 स्थानों पर अभिनंदन हुआ है और 17 तारीख को 61 स्थानों पर अभिनंदन हुआ है। कुल मिलाकर 114 स्थानों पर 2 दिन की यात्रा में अभी तक अभिनंदन हो चुका है। इसीलिए थोड़ा विलंब हर कार्यक्रम में हो रहा है कि जगह जगह पर समाज के सब वर्गों का अभिनंदन और आशीर्वाद दोनों चीज
उनको मिला है। मैं अपनी ओर से इतनी बात कहना चाहता था, मैं आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से कि आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया के बंधुओं को, अपने ओर से शुभकामना और आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। नहीं जा रहा और आइए। ठीक है, आप सभी को का अभिनंदन है। और आज इस प्रेस वार्ता में बैठे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी, आदरणीय प्रदेश के महामंत्री श्री आदित्य साहू जी, जन आशीर्वाद यात्रा के प्रभारी आदरणीय बालमुकुंद सहाय जी और मीडिया के हमारे प्रभारी श्री पूजन जी, मैं सबसे पहले आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से लगातार दो दिनों से जो जन आशीर्वाद यात्रा चल रहा है, उस यात्रा में जो सम्मान, जो स्नेह, जो आशीर्वाद कोडरमा से चलकर रांची के विभिन्न समाज, विभिन्न वर्ग, विभिन्न जाति, हर धर्म के सभी लोगों ने जो सम्मान किया, इसके लिए हम अपनी ओर से, पार्टी की ओर से उनके प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ जन आशीर्वाद यात्रा 16 से शुरू होकर 19 तारीख तक है और इस आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मुख्य रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो भारतीय जनता पार्टी का एक हमारा सोच है, इस मंत्रिमंडल के बाद, गठन के बाद ये चीज़ दिखता है। तो हम मंत्रिमंडल गठन हुआ है इसके, इस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि ये सम्मान झारखंड की एक बेटी और एक साधारण परिवार में जन्मे, इतना बड़ा सम्मान उन्होंने दिया है, इसके लिए कोटिशा प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी सहित पूरी टीम के प्रति आभार और धन्यवाद देते हैं। और इस मंत्रिमंडल की बात अगर हम करें तो इस मंत्रिमंडल में अभी जैसा कि आपको प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि इस मंत्रिमंडल में पूरा भारत दिखता है, भारत के हर कोने से हर वर्ग का प्रतिनिधित्व इस सरकार में है, और चाहे युवा हो, महिला हो या अन्य सभी समाज के सभी लोगों का समावेश इस मंत्रिमंडल में है। तो इससे ये दिखता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, भारत एक समृद्ध भारत, विश्व गुरु की ओर जो भारत को ले जाने का जो सपना है, ये एक मजबूत और नेक इरादों से मजबूत भारत बनाया जा सकता है, इस मंत्रिमंडल के गठन से ये चीज दिख रहा है। और निश्चित रूप से जो सम्मान उन्होंने दिया है, आज 11 महिलाओं को पहली बार आज़ादी के बाद 11 महिलाओं को मंत्री बनाया, 27 OBC, SC ST अल्पसंख्यक सहित सामान्य वर्ग सभी को समाहित करके, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो हमारा मूल मंत्र है, जो नारा है, वो उसमें साकार दिखता है। तो जो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, निश्चित रूप से ये प्रयास होगा कि झारखंड की बेटी होने के नाते, बहू होने के नाते, कि जो विश्वास दिया है उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास हम करेंगे। और
आने वाले समय में आप सभी का भी सहयोग, आप सभी का भी सुझाव लेंगे कि किस तरह से हम और इस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। और पार्टी इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लोगों का जो सम्मान, लोगों का जो प्यार मिल रहा है, निश्चित रूप से ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये मिल रहा है। और जो हमारे पार्टी का काम का जो तरीका है कि हर एक वर्ग में जो सर्वस्पर्शी भाजपा की बात हम करते हैं, सर्वग्राह्य भाजपा की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से आज सभी समाज, जाति, धर्म के लोग इस चीज़ को मानते हैं। और आज इसी चीज़ को मानते हुए ही ये हम देख रहे हैं कि आज का जो कल से ये जो कार्यक्रम चल रहा है परसों 16 तारीख से, तो निश्चित रूप से इससे ये साफ झलकता है कि इस मंत्रिमंडल को हर व्यक्ति, इस मंत्रिमंडल का गठन का सराहना कर रहा है। और इसीलिए जो प्रेम, जो सम्मान, जो स्नेह, जो आशीर्वाद रास्ते में आते समय लोगों का जो मिला है, इतनी गर्मी है, धूप है, बारिश है, उसके बावजूद भी चाहे हमारे युवा वर्ग हो, महिला हो, किसान हो और विभिन्न जाति के सभी लोगों का सम्मान इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे जो एक लाइन, जो एक दिशा, जो एक मूल मंत्र हमारा है, उस मूल मंत्र के साथ देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए हम सभी साथ मिलकर काम करेंगे, चलेंगे। और आने वाले समय में एक आपका भी सुझाव लेकर हम बेहतर, चूँकि जिस विभाग के बारे में अभी जो शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी हमें मिली है, तो ये हमारा भी प्रयास होगा कि चूँकि शिक्षा समवर्ती सूची में आता है, तो राज्य की शिक्षा व्यवस्था कैसे और बेहतर हो सके, केंद्र से राज्य की जो बातें हो उसको कैसे समन्वय बेहतर स्थापित कर, केंद्र की जो योजना है उस योजना को 100% राज्य में कैसे बेहतर किया जा सके, तो ये हम प्रयास करेंगे। और इसमें हमें लगता है कि आप सभी मीडिया के साथियों का भी इसमें सहयोग रहेगा, आप का भी सुझाव और आपके भी सहयोग की हम अपेक्षा करेंगे। तो आज विशेष और कुछ न बताते हुए, चूँकि जिस तरह से लोगों का सम्मान मिला है, जो आशीर्वाद मिला है, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं और सभी झारखंड के तमाम जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि जो सम्मान, जो आशीर्वाद एक बेटी को दिया है, निश्चित रूप से इसके लिए